So we started with the isomerism part where we discussed about chain isomer, chain ke baad position, then functional, uske baad metamerism. चलिए metamerism discuss करते हैं. Metamerism मैंने कल बताया था that this is shown by कौन कौन से groups हैं. Ethers हो गए, esters हो गए, ketones हो गए, ठीक है? That are having different alkyl groups on both the sides of the functional group. Functional group के दोनों sides पे दोनों alkyl groups जो हैं, जहाँ पर different हैं, okay? So this is shown by them, right? अमीन्स शो करते हैं. तो दीज आर सम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स दैट शो मेटामेरिज्म. ओके, तो फर्स्ट वाले की हम एग्जांपल ले लेते हैं, जहां पर हमारे पास ईथर है. कोई भी जर्नल ईथर लिख लेते हैं. दिस इज, क्या नाम है इसका? एनी जर्नल की नाम, क्या नाम है इसका बेटा? इथॉक्सीथेन, एल्कॉक्सी एल्केन्स है ना, इथर्स के फॉर्मूला. दिस इज इथॉक्सी इथेन. अब इसका आइसोमर क्या बन सकता है? कैन दिस बी द आइसोमर? यहां पर दोनों साइड पे इथाइल ग्रुप था. अब यहां पर सेंटर हमने इसके अराउंड देखना है. अब यहां पर एक मिथाइल रह गया है और यहां पर ये प्रोपाइल रह गया. तो दिस इज मेटामेरिज्म. ठीक है, कि जो एल्काइल ग्रुप है या फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप्स के आसपास जो अपने एल्काइल ग्रुप्स लगाए हैं, दे आर डिफरेंट. यहाँ पर इथाइल ग्रुप था, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप हो गया. ओके, सिमिलरली राइट डाउन द स्ट्रक्चर फॉर पेंटेन थ्री ओन. पेंटेन थ्री ओन का स्ट्रक्चर लिखो और उसके आइसोमर्स बताओ मुझे. मेटामेरिज्म, जहां पर फंक्शनल ग्रुप के आसपास एल्केन ग्रुप्स जो हैं, एल्काइल ग्रुप्स जो हैं, वो अपने डिफरेंट कर देते हैं. यहाँ पर दोनों तरफ सेम सेम था, यहाँ पर मैंने एक उठा के इस तरफ कर दिया तो डिफरेंट हो गए. ठीक है, राइट डाउन द स्ट्रक्चर फॉर पेंटेन थ्री ओन. पहले सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये कीटोन है. ठीक है, अब इसके कौन कौन से आइसोमर्स बनते हैं, नेम बताओ मुझे. पेंटेन टू ओन. हाँ, पेंटेन टू ओन ही बोला, थ्री ओन बोला मैंने. पेंटेन थ्री ओन बोला है, इसका आइसोमर कौन कौन सा बन सकता है? पेंटेन थ्री ओन कैसे बना? ये नहीं है पेंटेन थ्री ओन. दिस इज पेंटेन थ्री ओन. हाँ जी, अब इसमें क्या हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं आइसोमेरिज्म के लिए? व्हाट वी कैन डू हियर टू फॉर्म द आइसोमर्स? दोनों तरफ सेम सेम एल्काइल ग्रुप्स हैं. ठीक है, एक एल्काइल ग्रुप चेंज कर देते हैं, दूसरी तरफ ले आते हैं. दिस कैन बी द फर्स्ट स्ट्रक्चर. क्या नाम होगा इसका? दिस इज पेंटेन, पेंटेन टू ओन. ठीक है, और आप क्या कर सकते हो इसमें मॉडिफिकेशन? क्या मैं ऐसा स्ट्रक्चर बना सकती हूँ कुछ? कैन आई राइट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस ऑल्सो? फॉर्मूला सबका सेम है. क्या फॉर्मूला? 1 2 3 4 5, पांच कार्बन, 3 2 5, 6 7, 7 8 3 10 और एक ऑक्सीजन. इसका फॉर्मूला भी सेम बना है, सबका मॉलिकुलर फॉर्मूला. इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन लगाया है, 3 3 6 3 9 1 10 हाइड्रोजन. इसका क्या नाम है? 3-methyl butane 2-ol. ठीक है, दिस इज 3-methyl butane 2-ol. ओके, दिस इज 3-methyl butane 2-ol. तो डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स बन गए हैं ये.
ठीक है, तो आपको भी पेपर में ऐसे ही पूछा जा सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट आइसोमर्स। क्लियर? लाइट्स ऑन करो बेटा, ये वाली सब ऑन है, दोबारा से ऑफ करके फिर चलाओ स्विच। वो ऑन कर दे, कौन सा स्विच रह गया। चलो नेक्स्ट, राइट डाउन आफ्टर मेटामेरिज्म, नेक्स्ट इज कीटो इनोल्ट ऑटोमेरिज्म, एंड दिस इज वेरी वेरी कॉमन टॉपिक इन योर प्लस टू, बहुत जगह आपने ये प्लस टू में यूज करना है, कीटो इनोल्ट ऑटोमेरिज्म। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के चैप्टर्स में ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करोगे, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अभी भी जो आप ऑर्गेनिक का पढ़ के जाओगे, दैट इज बेस फॉर योर प्लस टू, ठीक है। प्लस टू में आपने यही सारी चीजें दोबारा से पढ़नी है और एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड पार्ट ही होगा, इससे आगे ही आपको कराएंगे, ओके। कीटो इनोल्ट ऑटोमेरिज्म इज बेसिकली शोन बाय एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सबसे पहले ये फिनोमिना किसमें चलता है, एल्डिहाइड्स में और कीटोन्स में, वेयर वी नीड अ कार्बोनियल ग्रुप, दिस इज द कार्बोनियल ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ आता है ना। अगर मैं यहाँ पे H लगा दूंगी तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा, अगर मैं यहाँ पे R लगा दूंगी तो ये कीटोन बन जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे H लगा दूंगी तो CHO इज एल्डिहाइड, अगर मैं R लगा दूंगी तो ये कीटोन बन जाएगा, तो दिस इज कार्बोनियल ग्रुप। अब कंडीशन क्या है कीटो इनोल्ट ऑटोमेरिज्म की, सबसे पहले इट इन्वॉल्व्स 1-3 माइग्रेशन, it involves, you can write down, it involves 1-3 migration of hydrogen atom from alpha carbon atom. It involves 1-3 migration, first and third position पे, ये positions mentioned है, first third migration of hydrogen atom from the alpha carbon. अब बनाते हैं स्ट्रक्चर और मैं आपको इसकी डेफिनेशन जो अभी लिखी है, आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट पार्ट नाउ। सपोज दिस इज अ जनरल एल्डिहाइड, ठीक है, ये आपका कार्बोनियल ग्रुप हो गया, जिस कार्बन, जहां पर कार्बोनियल कार्बन है उसके साथ वाले जो कार्बन होते हैं दे आर अल्फा कार्बन, ओके। जहां पर ये कार्बोनियल ग्रुप लगा है इसके साथ वाले जो कार्बन होते हैं दे आर दी अल्फा कार्बन, यहाँ पर दो हो गए, कीटोन्स के केस में दो हो जाएंगे, एल्डिहाइड के केस में एक हो गया। जो अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन होते हैं दे आर अल्फा हाइड्रोजन, किसकी माइग्रेशन करनी है मैंने, 1-3 माइग्रेशन होगी किसकी, हाइड्रोजन एटम की, कहाँ से, अल्फा कार्बन से, ठीक है। सी, कैन आई राइट दिस, लिख सकती हूँ मैं ऐसे इसको, तीन ही है, दो यहाँ पे शो कर दिए, एक वहां पे लिख दिए, ठीक है। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, 1-2-3। अब मैंने क्या करना है, मैंने हाइड्रोजन को शिफ्ट करना है, किस पोजीशन पे शिफ्ट करना है, 1 से 3 पोजीशन, ये हाइड्रोजन मैंने बाहर निकाल देना क्योंकि इसको तो मैंने शिफ्ट करना है। हाइड्रोजन हमेशा कैसे बाहर जाएगा, एज एच पॉजिटिव, यानी कि वो ये वाले जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है ये अपने साथ नहीं लेके जाएगा, ये वाले बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हो गए, जहां पर ऑलरेडी क्या था, एक सिंगल बॉन्ड था। ऑक्सीजन ने, क्योंकि हाइड्रोजन को अकोमोडेट करना है तो वो कहता मुझे तो और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसीलिए उसने ये जो शेयर्ड पेयर था कार्बन के साथ वो तोड़ दिया ताकि वो इस हाइड्रोजन को क्या कर सके, अकोमोडेट कर सके। दोबारा सुनो, ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा एज एच पॉजिटिव आयन, जो बॉन्ड पेयर है बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन, दिस विल बी शिफ्ट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, इसने माइग्रेट होना है ऑक्सीजन की तरफ,
ऑक्सीजन के पास कुछ नहीं है, तो वो कहता है मैं पहले कार्बन के साथ अपना बॉन्ड तोड़ूंगा फिर तुम्हें अकोमोडेट करूंगा, ठीक है। तो उसने ए वाला जो बॉन्ड पेयर था कार्बन के साथ ये तोड़ दिया, राइट। व्हाट विल बी फॉर्म्ड नाउ, देखो यू विल बी गेटिंग सी एच टू, ट्रिपल बॉन्ड सी, यही बनेगा। यहाँ पे एच आ गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह गया, यू विल बी गेटिंग ओ एच, ठीक है। दिस इज कीटो फॉर्म, इसको हम कौन सी फॉर्म कहते हैं, कीटो फॉर्म कहते हैं, इसको हम इनोल फॉर्म कहते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कीटो इनोल टॉटोमर्स। इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। द फर्स्ट कंडीशन फॉर शोइंग द कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म इज दैट देयर शुड बी सम अल्फा हाइड्रोजन दैट विल बी प्रेजेंट ऑन द अल्फा कार्बन एटम, एंड सिर्फ 1-3 शिफ्ट है। फर्स्ट और थर्ड पोजीशन के साथ माइग्रेशन हो सकती है, यानी कि कार्बोनियल के बिल्कुल साथ में ही जो आपके एल्काइल ग्रुप हैं या अल्फा हाइड्रोजन है वो प्रेजेंट होने चाहिए। ओके, समझ आ गया, इज दिस क्लियर। अब ये जो सेकंड स्ट्रक्चर मैंने बनाया है इसको आप करो सॉल्व, राइट डाउन द इनोल फॉर्म फॉर द एसीटोन। हां जी वंश, वेयर इज योर मास्क बेटा, कोई बात नहीं पहनो, ड्रॉ द इनोल फॉर्म फॉर द एसीटोन, जैसे ऊपर बनाया है वैसे ही करनी है नीचे वाली। एक लेना है आपने, दोनों में से कोई भी ले लो, दो साथ साथ में नहीं करने हैं, ठीक है। यू हैव टू चूज ओनली वन अल्फा हाइड्रोजन, या लेफ्ट वाले कार्बन को चूज कर लो या राइट वाले को। हाँ जी डन बेटा, तो सिंपल है बिल्कुल। हमने क्या करना है इन दोनों के बीच, सपोज इफ आई चूज दिस या ये वाला ले लेते हैं, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाना है, इसका एक हाइड्रोजन आपने कम कर देना है, ये जो एक हाइड्रोजन है ये, ठीक है। सो दिस इज द कीटो फॉर्म एंड दिस इज द इनोल, क्लियर। चलिए अब मैं आपसे कोई कंपाउंड देने लगी हूँ मैं आपको, और इसमें से आपने बताना है कि कौन कौन से कंपाउंड जो है वो कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म शो करेंगे। ये क्या है, व्हाट इज दिस, बेंजीन रिंग, ठीक है। हाँ जी बताइए बेटा, इसमें से कौन कौन सा कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म शुरू करेगा। This is the first structure, this is the second, and this is the third. First, second, third, कौन सा structure ketoenol tautomerism show करेगा? First, why not second and third? सेकेंड और थर्ड क्यों नहीं शो करेंगे? बेंजीन रिंग में हमेशा आपने याद रखना है जो हाइड्रोजन होते हैं दे आर नॉट फ्री, हाइड्रोजन बेंजीन रिंग में कभी भी फ्री नहीं है, तो
तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। हाँ जी, दिस साइड वी आर हैविंग अल्फा कार्बन विच इज हैविंग द अल्फा हाइड्रोजन एटम। इसका स्ट्रक्चर बनाओ, ड्रॉ द नोल फॉर्म फॉर द स्ट्रक्चर। Draw the enol form for this structure. बना लिया? ये क्या दोनों एडजस्टेंट ही लगा दिए? सी डबल बॉन्ड होगा क्या? हाँ जी, बन गया बंच, बन गया, बना लिया। आओ बोर्ड पे बनाओ। हाँ, ये शो कर। ठीक है जी, इज दिस राइट? तो सिंपली आपने याद रखना है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाना है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा देना और यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल देना। ओके, सो नेक्स्ट राइट डाउन द लास्ट आइसोमेरिज्म, रिंग आइसोमेरिज्म। Ring isomerism. Ring का मतलब क्या है? You will be forming a closed acyclic compound. ठीक है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ओके, फाइव का बना लेते हैं। So they all are closed cyclic structures. ठीक है, write down the formula. C3H6 से प्रोपीन बनाओ, फॉर्म द प्रोपीन। हाँ जी वैभव, आओ प्रोपीन का स्ट्रक्चर लिखो। वैभव जल्दी आओ इधर, राइट डाउन द स्ट्रक्चर फॉर प्रोपीन बेटा। हाँ जी नमन, बोलो प्रोपीन का स्ट्रक्चर। नमन जल्दी आओ इधर, प्रॉप वन इन का स्ट्रक्चर लिखना है बस। नमन, कार्बन की कितनी टेट्रा वैलेंसी होती है? वैलेंसी कितनी होती है? 3, 4, 5। तुमने कितना बनाया? ठीक, ठीक है बेटा। कैन आई फॉर्म द स्ट्रक्चर लाइक दिस? बन सकता है ये?
C3H6 है, एक दो तीन, दो दो चार, ठीक है जी। तो स्ट्रेट चेन से हमने क्या बना दिए हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर दिए। सिमिलरली राइट डाउन द एग्जांपल फॉर प्रोपाइन। साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में हमेशा याद रखना है कि जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड था ना, तो वो सिंगल में सारे चेंज हो गए हैं। ऐसे ही है, जब आप ट्रिपल बॉन्ड बनाओगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, डबल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये हमेशा एल्कीन्स एंड एल्काइन्स ही शो करेंगे, यानी कि डबल बॉन्डेड एंड ट्रिपल बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स ही जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, सिंगल बॉन्डेड नहीं होंगे, ओके। सिंगल बॉन्डेड हमेशा स्ट्रेट चेन बनाएंगे, डबल एंड ट्रिपल बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स दे विल बी इन्वॉल्वड इन द रिंग फॉर्मेशन। नाउ फॉर्म्ड फॉर द प्रोपाइन, फॉर्म द चेन फॉर प्रोपाइन। यहां पर आपने एक हाइड्रोजन कम कर देना और एक डबल बॉन्ड ज्यादा कर देना, बस इतना फर्क पड़ेगा। और यहां पर आपका क्या आ जाएगा, एक बॉन्ड एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ठीक है जी। क्या हुआ, ओके। तो इसका फॉर्मूला है C3H4, क्या इसका भी फॉर्मूला सेम है? इज दिस ऑल्सो हैविंग द सेम फॉर्मूला, C3H4? ट्रिपल बॉन्ड को आपने कर दिया है डबल बॉन्ड। हाँ जी, डन बेटा। चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एंड यू हैव टू स्टेट विच मैकेनिज्म दे आर शोइंग, ठीक है। तीन एग्जांपल्स लिखूंगी, बोलना नहीं है बस, किसी ने जिससे पूछा जाएगा वही आंसर देगा। ये फर्स्ट है, दिस इज द सेकेंड वन, थर्ड वन। हाँ जी बेटा, विच आइसोमेरिज्म इन द फर्स्ट केस? फर्स्ट केस में कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रही है? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर तो सब में ही है बेटा, सबके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं। स्ट्रक्चरल में पर्टिकुलर टाइप कौन सी है? लास्ट पोजीशन आइसोमर, यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन है और यहाँ पर सेकंड पोजीशन हो गई है डबल बॉन्ड की। हाँ जी, वंश सेकंड में, वंश सेकंड में, जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। रमन, कौन था सेकंड में बताओ, सेकंड में कौन सा है? दिवनूर, दिवनूर है अपना, दिलजीत, दिलजीत फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। यहाँ पे कौन सा ग्रुप बन रहा है? COOH एसिड बन रहा है, और यहाँ पे COOR एस्टर बन रहा है। थर्ड में बोल दो सारे, व्हाट इज देयर इन द थर्ड? कीटो इनवॉल्वड ऑटोमेरिज्म, सीधा है, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। सो द फर्स्ट इज पोजीशन, सेकंड इज फंक्शन, एंड द थर्ड इज कीटोनॉल ऑटोमेरिज्म।
ये देखना यहाँ पे सी और सी के बीच में डबल बॉन्ड है और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, ये कहाँ पर पड़ा है? इटरनल डाटामेरिज्म में नहीं पड़ा अभी, क्लियर? चलो so isomerism part is over now, we will be starting with the next part. Now there are some of the effects that actually operate in the organic compounds. ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में कुछ इफेक्ट्स जो हैं वो ऑपरेट होते हैं and we will be studying those effects. तो सबसे पहले जो इफेक्ट है that is inductive effect. The first effect is inductive effect. इसको आई इफेक्ट भी कह देते हैं. वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट. ये कब ऑपरेट होता है? दिस ऑपरेट बिटवीन द कार्बन चेन, कार्बन की चेन है. ये इफेक्ट तब ऑपरेट होता है व्हेन एवर देयर इज एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड एट द एंड ऑफ द कार्बन चेन. सपोज मैं कोई भी एक्स ग्रुप जो है इसकी एंड पे मैंने लिख दिया हुआ, आई हैव अटैच्ड एनी एक्स ग्रुप ऑन द एंड ऑफ दिस चेन, इट मे बी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ऑल्सो, इट मे बी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ऑल्सो. ठीक है, अब इस इफेक्ट के अंडर क्या होता है? देयर इज परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीटली डिस्प्लेस हो जाते हैं, अपनी जगह छोड़ जाते हैं और जहां पर भी डिस्प्लेस हो रहे हैं वो पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेते हैं. ओके, सो हेयर इट इन्वॉल्व्स अ परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब ये इफेक्ट दो तरह से है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग. अगर सपोज आपका एक्स ग्रुप जो है वो ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर रहा है कार्बन की चेन से, कोई भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हम लिख लेते हैं. सपोज आई हैव अटैच्ड फ्लोरो हियर, हैलोजन्स हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करते हैं ना बहुत इजीली, तो इसमें क्या करना है, ये जो कार्बन चेन के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे अपनी तरफ खींच लेने हैं. ओके, क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप? इट विल अट्रैक्ट ऑल द इलेक्ट्रॉन परमानेंटली टुवर्ड्स इटसेल्फ. इस केस में जो इफेक्ट चलता है दैट इज माइनस आई इफेक्ट. इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो गए हैं, परमानेंटली डिस्प्लेस हो गए हैं, इसीलिए यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस जो है वो आने शुरू हो जाते हैं. ठीक है, सब पे जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है उससे वो ज्यादा खींचेगा एज कंपेयर टू द कार्बन जो आगे आगे हैं, यानी कि ये इफेक्ट जो है वो विद लेंथ वो कम होता जाएगा. समझ रहे हो, जिस कार्बन के साथ ही एग्जैक्टली अटैच है ये उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इससे वो मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, इससे और कम हो जाएगा और इससे और कम हो जाएगा. सो विद द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन द माइनस आई इफेक्ट इट डिक्रीजेस, जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है उसकी वो कम होनी शुरू हो जाती है. ओके, एंड इफ देयर इज सम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, अब यहां पर अच्छा माइनस आई इफेक्ट कौन कौन शो कर सकता है? फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो साइनाइड हो सकते हैं, ठीक है, एसिड्स हो सकते हैं, नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, ये सारे माइनस आई इफेक्ट वाले. ओके, जहां पर भी ये लगे होंगे ये चेन में से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेंगे. ठीक है, प्लस आई मैं फिर कल बताऊंगी.